नमस्कार मित्रों, आप सभी का पीडी नोगिया यूट्यूब चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल और उसमें राजस्थान के भूगोल में पहले पढ़े अपने राजस्थान की स्थिति अवस्थिति साथ साथ भौतिक प्रदेश और फिर उसके बाद में पढ़े राजस्थान के अफवाह अंतर और आज उसी क्रम में पढ़ रहे हैं मीठे पानी की झीलें। तो आइए चलते हैं, सबसे प्रसिद्ध जो झील है राजस्थान की वो है जैसलमेर झील। अब इससे संबंधित कौन कौन से मुख्य मुख्य फैक्ट हैं जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में साथ साथ राजस्थान में आयोजित होने वाले विभिन्न सैद्धांतिक परीक्षाओं में इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो मेरे साथियों, सबसे पहले समझना चाहिए कि जैसलमेर झील कहाँ स्थित है। साथियों, जैसलमेर झील है, इस जैसलमेर झील को डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले समझना चाहिए कि ये डेबर, इसका नाम है डेबर झील, उपनाम है इसका डेबर झील है। यह उदयपुर में स्थित है, उदयपुर में स्थित है। उदयपुर सिटी से उदयपुर शहर से लगभग 51 किलोमीटर दक्षिणी पूर्वी दिशा में स्थित है। अतः उदयपुर शहर से 51 किलोमीटर दूर दक्षिणी पूर्वी दिशा में स्थित है। इसका जो निर्माण करता है प्रिय मित्रों, निर्माणकर्ता राणा जयसिंह ने, जयसिंह है इसका निर्माणकर्ता, जयसिंह है, जयसिंह ने इन्होंने 1685 से लेकर 1691 ईस्वी के मध्य इस झील का निर्माण करवाया। ये झील है जो जैसलमेर झील है मेरे साथियों, वो महाराजा ने गोमती नदी पर बांध बनाकर इस झील का निर्माण किया। इस बांध की जो लंबाई है साथियों, बांध की जो लंबाई 375 मीटर है तथा ऊंचाई है साथियों 35 मीटर। इसी प्रकार इस झील की कुल लंबाई 15 किलोमीटर है। झील की लंबाई 15 किलोमीटर है, 15 मीटर है तथा चौड़ाई वो 2 किलोमीटर और अधिकतम 8 किलोमीटर है। इसी प्रकार मित्रों, जो झील है, इस झील से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि ये राजस्थान की, राजस्थान एवं भारत, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। इसके साथ साथ एशिया की
सबसे बड़ी, ऐसा कि सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। साथियों, जीके के लिए इस पर और भी है, वो ये है कि अधिकांश राजस्थान में आयोजित होने वाले जैसे पुलिस पटवारी उनमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इस पर 7 टापू बने हुए हैं, 7 टापू हैं और 7 जो टापू हैं वो 7 टापू में सबसे बड़ा टापू एक है बाबा का भांगड़ा। बाबा का भांगड़ा है। दूसरा है, दूसरा साथियों प्यारी है, इस पर इन पर निवास करते हैं वो भील एवं मीणा जनजातियां। इन टापुओं पर निवास करती है। साथियों, इस झील को 1950 ईस्वी के पश्चात सिंचाई हेतु प्रयोग में लिए जाने लगा। सिंचाई के लिए उपयोग में लिए जाने लगा। इस पर नहर है, बाद में नहर बनाई गई। इस पर दो नहर हैं। एक नहर का नाम श्यामपुरा नहर है तथा दूसरी नहर का नाम मित्रों भाट नहर है। इन मुख्य नहरों की लंबाई अर्थात इस पर जो नहर है उसकी कुल लंबाई 324 किलोमीटर है और जो अन्य नहर है, अन्य नहरों की लंबाई या वितरिकाओं की लंबाई वो 125 किलोमीटर है। साथियों, वर्तमान में इसका जो प्रबंधन करता है वो राजस्थान राज्य सिंचाई विभाग के अंडर में है। राजस्थान राज्य सिंचाई विभाग इसका प्रबंधन करता है। साथियों, ये थी राजस्थान जैसलमेर झील, जो राजस्थान की तथा एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। इसको डेबर झील के नाम से जाना जाता है। उदयपुर में स्थित है। उदयपुर शहर से 51 किलोमीटर दक्षिणी पूर्व दिशा में स्थित है। इसका निर्माण करता महाराजा जयसिंह ने 1685 से 1691 के मध्य गोमती नदी पर एक बांध बनाया और बांध की लंबाई थी फिर साधु 375 मीटर, ऊंचाई 35 मीटर है। इस पर जो ये झील है इसकी कुल लंबाई अर्थात राजसमंद झील की कुल लंबाई मेरे साथियों 15 किलोमीटर, चौड़ाई कम से कम 2 और अधिकतम 8 किलोमीटर है। ये एशिया की तथा भारत की और राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। साथियों, आगे लिखा इस पर 7 टापू बने हुए हैं जिनमें 2 टापू फेमस है, एक का नाम बाबा का भांगड़ा, दूसरा प्यारी है। इस पर भील और मीणा जनजातियाँ निवास करती है। जैसलमेर झील है जो जैसलमेर, प्रिय मित्रों, 1950 के बाद सिंचाई के हेतु उपयोग में लिए जाने लगी और सिंचाई हेतु इस पर 2 नहरें बनाई गई, एक श्यामपुरा नहर, दूसरी भाट नहर। इन मुख्य नहरों की लंबाई 324 किलोमीटर है तथा अन्य नहरों की लंबाई 125 किलोमीटर है। तो प्रिय साथियों, यह थी राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जिसका नाम था जैसलमेर झील। अब अगली इससे जस्ट बाद में अपन पढ़ेंगे राजसमंद, पिछोला, अन्य झीलों के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो कैसे लगा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपके सामने फिर अन्य वीडियो ला सकें।
साथियों ये भी ध्यान रखो, वर्तमान में कोरोना वैश्विक महामारी चल रही है, इससे अपना तथा अपने परिवार का ख्याल रखना, ताकि आप सही हो तो आपका परिवार सही है, और आप सही नहीं होंगे तो आप तो डूबोगे साथ साथ अपना परिवार।